जेम्स साहब बताइए आज का जेम्स बनाए सर। बिल्कुल यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत माहौल तो देखिए कल जो हुआ मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो उससे ये तो हो गया कि जो हाई वैल्यूड स्टॉक्स है जिनकी रेटिंग्स बहुत हाई थी और कई बार मुझे डाइजेस्ट जैसे कई स्टॉक नहीं होते थे वैल्यूएशन के लिहाज से, वहां पे भी काफी करेक्शन कल भी देखने को मिलेगा, आज भी मिला है। और मिड कैप स्मॉल कैप में कल अच्छी खासी मार्केट थी, निफ्टी भले ही कम चल रहा हुआ हो, कम टूटा हुआ हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अब कॉशियस रहने का समय आ गया है, बहुत एक्जुबरेंस वाला समय अब नहीं है, क्योंकि कल की जो बढ़त और गिरावट जो थी इंट्राडे वॉलेटिलिटी वो बहुत अलग टाइप की थी। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सेफर और बहुत ही डिसेंट स्टॉक्स में और जहां वैल्यूएशन एकदम सस्ते और जहां पे हमें गिरने का डर कम हो वहां जाना चाहिए, तो वैसा मैंने एक स्टॉक लाया हूं बामर लॉरियन कंपनी लिमिटेड। और ये स्टॉक शायद मालामाल वीकली में भी आया हुआ है, मैंने जैन साहब के जेम्स में भी पहले दिया हुआ है, और बढ़िया बात यह कि मैंने 100 110 के लेवल्स पे दिया था, 105 110 वहां से टारगेट्स भी अचीव हुए, 125 30 के दिए थे टारगेट्स, और फिर उसके बाद 171 तक ऊपर गया है, अब वापस से एक अच्छे लेवल्स पे 130 के लगभग, सो आई फील कि बहुत बढ़िया लेवल्स है जहां पे एंट्री कर सकते हैं और डाउनसाइड रिस्क कम है। अब उससे भी ज्यादा जो मुझे बढ़िया लगती है मिनी रत्ना पीएसयू स्टॉक है, देखिए पीएसयू स्टॉक सभी फ्लेवर में थे, काफी चल रहे थे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं यही वैल्यूएशंस दिख रहे थे, यहाँ पे कैश फ्लोज अच्छे हैं, यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क कम है, बहुत ज्यादा चले हुए भी नहीं थे, तो वैसा ही स्टॉक ये है। बामर लोरी सुनने को तो लगता है कि एक एमएनसी कंपनी होगी बट ऐसा ही था, फाउंडर्स वैसे हम वो लोग ही थे, फॉरेनर्स ही थे, बट नाउ इट इज अ मिनी रत्ना पब्लिक सेक्टर यूनिट है, तो मिनी रत्ना बोलते ही बहुत एक कॉन्फिडेंस आता है, और पीएसयू एंटरप्राइज है और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के अंडर में है। 8 स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, बहुत काम करती है कंपनी अलग अलग टाइप के चीजों में, देखिए इंडस्ट्रियल पैकेजिंग ग्रीसेस एंड ल्यूब्रिकेंट्स में है, मैंने ल्यूब्रिकेंट का कल भी एक स्टॉक रेकमेंड किया था और पहले भी किया था, और ट्रैवल एंड वेकेशंस में है जो कि बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है, अभी लॉजिस्टिक्स में है, लॉजिस्टिक्स अगेन सरकार का बहुत फोकस है, कोल्ड चेन के ऊपर है, ऑयल फील्ड सर्विसेज में भी है, रिफाइनरी एंड ऑयल फील्ड, तो ये ओवरऑल बहुत जो 8 जो अलग अलग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स है उसकी वजह से मुझे और कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा है बामर लॉरी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है एमएस ड्रम्स का, एमएस ड्रम्स मतलब माइल्ड स्टील जो ड्रम्स होते हैं, जो हम लोहे के जो ड्रम्स देखते हैं बचपन से देखते आ रहे हैं, आजकल तो प्लास्टिक के भी होने लगे, तो उसमें मार्केट लीडर 40% मार्केट शेयर है इनका, और करीब 8 जगह इनके प्लांट्स है, 6 जगह सॉरी, और ओवरऑल मैं अब जब देख रहा हूं इनके फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं तो 13 के पी मल्टीपल पे स्टॉक बहुत सस्ता लगता है, डिविडेंड यील्ड बहुत ही बढ़िया है 4.5% मतलब 4.63% की, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मिल जाता है, और डेट्स कोई विशेष है नहीं, सिर्फ 125 करोड़ का डेट है तो 0.08% के लगभग, एंड पिछले जून क्वार्टर में बहुत बढ़िया रिजल्ट्स रहे हैं, लास्ट जून लाजमी था हल्का था बट मार्च और जून के क्वार्टर्स बहुत बढ़िया रहे, सो ओवरऑल आई फील कि स्टॉक को लिया जा सकता है यहां पे, और आराम से इस स्टॉक का जो टारगेट है वो करीब 160 का लगाया जाए तक के टारगेट